लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। आज 3 दिसंबर का खास दिन है जब एडवोकेट्स डे पूरा देश मनाता है, और हम जैसे जो हजारों लाखों लोग हैं जो अदालतों में वकीलों के माध्यम से अपने केस को रखते हैं और उनसे राहत लेते हैं, उनको धन्यवाद देने का दिन है। इसके साथ ही 3 दिसंबर के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति लॉर्ड भी जो रहे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके जन्म दिवस के दिन आज 3 दिसंबर हम पूरे देश में सेलिब्रेशन करते हैं। तो एडवोकेट्स डे पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जानकी शरण पांडे जी हैं, जो चेयरमैन हैं यूपी बार काउंसिल के। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और एडवोकेट्स डे की आपको पांडे साहब बहुत बहुत बधाई। मेरा पहला प्रश्न आपके लिए होगा, एडवोकेट्स डे अपने आप में सेलिब्रेशन का डे होता है, लेकिन इसके साथ ही जुडिशरी और जो बार और बेंच है उनके बीच के एक रिलेशन को भी हम इस दिन समझना चाहेंगे, उस बात को समझना चाहेंगे। हाल फिलहाल ही अर्णब गोस्वामी के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंचूण ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट जमानत देने से बचती हैं, तो ये लाखों लाख जो पेंडेंसी मैटर्स की है उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया था। पांडे साहब, सबसे पहले आज के दिन मैं आपसे चाहूंगा कि ये जो अदालतों के बीच, वकीलों और अदालतों के बीच का ये जो समन्वय है, क्या ऊपरी अदालत की फटकार के बाद ही काम रेगुलर हो पाता है, या आपसी सामंजस्य, जैसे आप बार काउंसिल हैं और तमाम जो इस तरह के एसोसिएशन बने हैं उनके आपस में सामंजस्य से ये बेहतर और होना चाहिए? जी, ये निश्चित रूप से विप्लव जी, ये बहुत अच्छी बात है और जस्टिस चंचूब जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। जी, पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जो बेल या जो रिलीफ हम लोगों को लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के यहाँ से मिल जाता था, आज स्थिति है कि डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी वो बेल या रिलीफ देने में हमको घबराते हैं। एक तो बहुत दिनों से जुडिशियल ऑफिसर्स के मन में ये बात घर कर गई है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा जो कैरियर वो साफ सुथरा रहेगा। उस अपने कैरियर को और प्रगति को लेकर के वो इतने चिंतित होते हैं कि वो समझते हैं कि हम काम ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काम करने से गलतियां होती हैं। मैं इस चीज का खुद भुक्तभोगी हूं। विभिन्न जनपदों में जाके तमाम बार एसोसिएशन के लोग, तमाम अधिवक्ता ये शिकायत करते हैं कि जो बेल या जो रिलीफ हम लोगों को छोटी कोर्ट से मिलना था अब नहीं मिला। बहुत बार बात होती है, अभी चीफ जस्टिस से हम लोग मिले थे यूपी के, उनके भी सामने ये इशू हम लोगों ने डिस्कस किया, बट कोर्ट का कहना होता है कि साहब हम डिस्कशन जो है अपना यूज करते हैं और जो मामले सुनते हैं अगर हमें ठीक लगता तो हम रिलीफ देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी बेलेबल ऑफेंस हैं जिनके बारे में पहले से व्यवस्थाएं हैं और नया जो आज आपका कानून है उसके हिसाब से थाने में बेल हो जाना चाहिए, इनकेस किन्हीं कारणों बस थाने से नहीं होती है, तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने जाने पे निश्चित रूप से बेल दे ही देना चाहिए। ये कहना कि साहब उसने जमानतदार या जमानत देने से मना किया है, बॉन्ड में साइन करने से मना किया है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, जो ट्रायल मैटर है जिसमें बहुत ज्यादा मीडिया मामले को उछालती नहीं है, उन मामलों में डिस्ट्रिक्ट जज को बेल देना चाहिए। मैं इधर ये देख रहा हूँ कि शुरुआती प्रैक्टिस में 90-91 में मैं आया था, सीनियर के साथ हम लोग जाते थे तो जो बेल हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से मिलती थी आज हाई कोर्ट से वो जमानतें खारिज हो रही है। जी, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जो हमारा समाज है या जो पीड़ित पक्ष है, पक्षकार है और अधिवक्ता है, वो एक तरह से जुडिशियल टेररिज्म से गुजर रहे हैं। कोर्टों में एक तो कोरोना की वजह से बिल्कुल काम नहीं हो रहा है और जो काम हो रहा है उसमें भी जो जुडिशियल ऑफिसर बैठते हैं वो इतना बचा के काम करते हैं, इतना अपने को सेफ करके चलते हैं कि नॉर्मली वो काम करना ही नहीं चाहते। वो मामले को चाहते हैं कि हमारी कोर्ट में ना सुना जाए या टाल दिया जाए। साफ तौर पर जो बीमारी है वो केवल निचली अदालतों तक सीमित नहीं है, उसका दायरा हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है, और इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों के बारे में टिप्पणी करना पड़ा कि आप व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं रोक सकते। पांडे साहब, मेरा अगला सवाल बहुत साफ होगा। पूरी जुडिशरी, पूरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका आम जनता के लिए बनाई गई है, आम जनता की सहूलियत के लिए बनाई गई है। अगर वही जेलों में सड़ रही होगी, वही जेलों में रह रहे होंगे, उन्हें
समय पर सुनवाई नहीं मिलेगी तो इस पूरे सिस्टम का क्या? बतौर अध्यक्ष बार काउंसिल आप क्या सोचते हैं कि क्या एक बड़े बदलाव की जरूरत है, या जो वर्तमान में बदलाव चल रहा है उसमें थोड़े थोड़े अगर अमेंडमेंट कर जाए, उनको चीजों को सुधारा जाए तो एक बड़ा बदलाव हो सकता है? निश्चित रूप से बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है और इस सुधार को हम ऐसे कर सकते हैं कि जो बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर इनको विवेकाधीन अधिकार दिए गए हैं उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को या विधायिका को निश्चित तौर पे नियम बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं अधिवक्ता लोग शिकायत करते हैं कि सेम मैटर पे बल्कि उससे पिटी ऑफेंसेस में कोर्ट रिलीफ दे देती है बहुत सारे मामलों में, और बहुत सारे जो है जघन्य अपराध होते हैं उसमें भी बेल दे देती है। दूसरे अधिवक्ता जाते हैं उनसे बहुत हल्का मामला होता है उनको नहीं देते हैं। तो जो विवेकाधिकार है निश्चित रूप से वो चाहे विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग हो रहा है। चूंकि हम लोग सभी उसी समाज के अंग हैं, चाहे आपका चौथा स्तंभ प्रेस हो या न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका, सब इसी समाज से इसी विद्यालय कॉलेज यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेके आते हैं, तो जो गिरावट हो रही है निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हो रही है। लेकिन केवल ये मान के बैठ जाने से कि गिरावट हो रही है इससे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को कहीं ना कहीं इस बात पे आवाज उठाना पड़ेगा। विधायिका को भी कानून बनाने में जो है उसका तत्परता दिखानी चाहिए और उन कानूनों को लागू करने के लिए कार्यपालिका को और जहां तक है जुडिशरी से संबंधित उन लोगों को आगे आना चाहिए। दूसरी चीज विवेकाधिकार का मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर कोई अपराधी है और जघन्य अपराध किया तो उसको आप बेल पे छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उससे भी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी। लेकिन जिन मामलों में अपराधियों अभियुक्त को या आरोपी को संदेह का लाभ दिया जा सकता है उनमें उनको तुरंत लाभ दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जिन मामलों में किसी शादीशुदा नवविवाहित पत्नी के साथ अगर कुछ अपराध हो जाता है तो उन मामलों में एक टेंडेंसी बन चुकी है कि उसके परिवार के जो भी लोग हैं वहां साथ रहते हैं उनको तो मुकदमे में फंसाया ही जाता है। इवन पता चले लड़के के मामा या लड़के की जो मैरिड बहन है जो घटना स्थल से 200-300 किलोमीटर दूर अपने हस्बैंड के साथ रही उसको भी मुलजिम बना दिया जाता है। बहुत बार कोर्टें कंसीडर करती है, बहुत बार स्थिति क्या होती है कि एक घटना में 7-8 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि न्यायपालिका को यह विचार जरूर करना चाहिए जिस कोर्ट के सामने ये मामले जाए कि अगर कोई शादीशुदा लड़की है और कई साल पहले उसकी शादी हुई है और वो अपने हस्बैंड के साथ 400-500 किलोमीटर दूर रह रही है, उसको अगर केवल इंटेंशनली परेशान करने के लिए मुलजिम बनाया जाता है तो उनके साथ वो बर्ताव नहीं होना चाहिए जो एक आरोपी के साथ होता है। लेकिन एक मुझे ये बताइए पांडे साहब ये जो जिस डिफरेंस का आपने जो एक तरह की खाई है जुडिशरी के सामने कुछ बड़े वकीलों को कुछ छोटे वकीलों को, अर्णब गोस्वामी के मैटर को लेकर जब हाईकोर्ट ने उनकी शनिवार को बेल रिजेक्ट करी, संडे को उनको फाइलिंग हो गया, मंडे को वो सुनवाई पे भी आ गया, मैंने बहुत से एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी के लोगों से बात करी, उन्होंने कहा हमारे मामले में संभव नहीं है। तो ये जो खाई लगातार गहरी होती जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम हो रही है, ये लगातार गहरी होती जा रही है, इसको मिटाने के लिए क्या आप लोगों के बीच में एक बड़ा विचार विमर्श और जुडिशरी से बातचीत का एक दौर चल रहा है? जब ये मामला अर्णब गोस्वामी आया था तो मेरे पास भी कई अधिवक्ताओं के यहाँ से आया कि बहुत छोटे छोटे मामले में लोग जेल में हैं, उनमें हम लोग बार बार जो है अर्जेंसी के एप्लीकेशन देते हैं कि इन्हीं मामलों में परिवार में शादी होती है। इवन एक मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग, उस आदमी के बेटे की शादी थी और उसको पैरोल भी नहीं मिला, बेल भी नहीं मिली। तो निश्चित रूप से जिस समाज में हम रहते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, और हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून की नजर में समता का अधिकार है, सब बराबर हैं, लेकिन वाकई में जो हम धरातल पे उतरते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जो शक्तिमान लोग हैं, चाहे हम लोग अर्णब गोस्वामी को ही मान लें, तो उनका मामला इतनी जल्दी लग गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि जो अदालतों में अर्जेंसी के नाम पे बार बार एप्लीकेशन दी जाती है, नहीं सुने जाते। मेरा विधायिका के लोगों से ये बार बार कहना, इसके पहले भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित करके जो है रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री उनको भेजा था, स्टेट के भी मिनिस्टर को दिया था कि कुछ मामलों में एक नियम होना चाहिए कि उस नियम के तहत जो भी आरोपी लोग हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है तो उसका उसको लाभ मिल गया, एक बहुत कमजोर व्यक्ति है तो उसी सेम ऑफेंस में या उससे छोटे ऑफेंस में वो पता चले सालों साल जेल में सड़ता रह गया। अभी एक मैटर आया था जिसमें ये पता चला कि 35 साल से
वो आदमी जेल में है और उसके केस का अभी तक ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ, बाद में उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने छोड़ा। तो इस तरह की जो चीजें हैं इनपे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो न्यायपालिका है, असल में न्यायपालिका का नाम ही न्यायपालिका है, तो उनको ये दिखना भी चाहिए कि जो पीड़ित पक्ष है, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जेन्युइन ग्राउंड है तो उनको निश्चित रूप से रिलीफ मिलना चाहिए। मतलब जो पैसा सुप्रीम कोर्ट जो लगातार पांडे साहब, जो सुप्रीम कोर्ट लगातार बात कहता है कि केवल न्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होते भी हुए भी दिखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय जजेस कहते जरूर हैं, लेकिन जब उनके कोर्ट मामले होते हैं तो वो भी उसको फॉलो नहीं करते। जी जी, जब जब हाईकोर्ट का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट के लोग कमेंट बहुत अच्छा करते हैं, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले या लोअर जुडिशरी के मामले होते हैं तो हाईकोर्ट के जजेस बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन जब वही मैटर उनके सामने होते हैं तो हम लोग दूसरों को सीख देने के बजाय अगर उसमें थोड़ा भी हम लोग पालन करें तो निश्चित रूप से समाज में जो न्यायिक व्यवस्था है वो दुरुस्त की जा सकती है और असमानता निश्चित रूप से दूर की जा सकती है। पांडे साहब, अब असमानता जी कहने की बात जरूर है, मुझे नहीं लगता कि असमानता दूर हो सकेगी, क्योंकि जो हमारे समाज की संरचना है उस हिसाब से असमानता दूर नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को हमें न्याय देने का प्रयास करना चाहिए जिन लोगों के पास बिल्कुल साधन नहीं है और जिनके साथ वाकई में अन्याय होता है, और वो अन्याय उनके साथ उनके पड़ोसी द्वारा, उनके साझेदार द्वारा, या उनका जो खेत का पड़ोसी उसके द्वारा या अपराधियों द्वारा किया जाता है, और जब कोर्ट में हम लोग जाते हैं कोर्ट से भी उनको हम रिलीफ नहीं दिला पाते, तो निश्चित रूप से एक सभ्य समाज के लिए बहुत दुखद घटना है। और आने वाले दिनों में इसका एक विद्रोह होगा, जिस तरह से बहुत सारी चीजें होती वो दुखद रहेगा। हालांकि मैं अपेक्षा करूंगा कि जानकी प्रसाद पांडे जी जैसे लोग जो लगातार संघर्षरत रहते हैं उस असमानता को दूर करने के लिए, वो निश्चित रूप से हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि एक दिन वो आएगा। एक मेरा अब जानकी सर बहुत लास्ट एक प्रश्न, आज का दिन जो एडवोकेट्स डे है वो निश्चित रूप से किस मायने में खास हो सकता है? इस मायने में खास हो सकता है कि सभी अधिवक्ताओं को ये प्रण लेना चाहिए कि हम दिन भर चाहे जैसे काम करें, अपने क्लाइंट से फीस लें, जो कुछ करें, लेकिन दिन भर में हमें एक काम ऐसा जरूर करना चाहिए जो हमारे समाज का पीड़ित है, निर्धन है और शोषित व्यक्ति है, उसके चेहरे पे मुस्कान आए और वो लौट के घर जाए और ये बताए कि नहीं, हमारे अधिवक्ता ने हमारी बहुत मदद किया। तो हम लोगों को ये पहल होना चाहिए कि जो भी वंचित तबका है, जो भी गरीब है, जिसकी पहुंच ज्यादा नहीं है, जो हमें फीस नहीं दे सकता, हम पैसे के काम दिन भर करें लेकिन दिन में एक काम जरूर ऐसा करें कि जो गरीब व्यक्ति है उसके चेहरे पे मुस्कान हो, वो हमारी असली वकालत होगी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एडवोकेट डे के दिन आज आपसे तमाम बातें जानने को मिली। निश्चित रूप से एक बड़ी असमानता है जुडिशरी की नजर में, एक बड़े और छोटे लॉयर्स के बीच में, लेकिन फिर भी जो आज का दिन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करने का दिन है। बतौर वकील उनके एक अलग तरह की उनकी पहचान थी, उसको याद करने का दिन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पांडे साहब आपसे बातचीत करने के लिए। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।